एशियन क्रीड, एशियन क्रीड ना खेलने वाले बंदे शायद से कम ही होंगे। मैंने तो इस गेम को जावा वाले मोबाइल में खेल लिया था, वो भी 2D वर्जन में, और मेरे को यार काफी ज्यादा अच्छा लगता था उस टाइम में ये गेम। सो आज की इस वाली गेम में सुनिए हम बात करने वाले एशियन क्रीड गेम की राइज एंड फॉल के बारे में। काफी ज्यादा बंदों ने यार कमेंट करेंगे कि ये गेम अभी भी स्टिल अलाइव है, पर यार उस टाइम में जितना ज्यादा पॉपुलर था अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इस गेम की डाउनफॉल के बारे में बात करने से पहले इस गेम की राइज की बात करते हैं। इस गेम को डेवलप किया था यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल ने और पब्लिश किया था यूबीसॉफ्ट ने। और एसेसिन क्रीड की फर्स्ट फ्रेंचाइज गेम 2007 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए रिलीज किया था और उस टाइम में ये गेम काफी जल्दी फेमस हो गया था। इस गेम की इनिशियल सक्सेस की मेन रीजन है गाइस, उस टाइम में ऐसी गेम नहीं बनी थी जिसमें इस गेम की जैसे यूनिक गेम प्ले मैकेनिक्स, इंगेजिंग स्टोरी लाइन एंड ग्राफिक्स की तो बात ही मत। एसेसिन क्रीड की फर्स्ट फ्रेंचाइज की सक्सेस के बाद यूबीसॉफ्ट ने इसकी काफी ज्यादा सीक्वल निकाली और इस गेम को यार फ्रेश बनाने के लिए काफी ज्यादा नए नए फीचर डाली। बस इतना ही ना गाइस, यूबीसॉफ्ट कंपनी ने उस टाइम में इस गेम की नोवेल, कॉमिक्स, मूवी भी रिलीज की, इसकी वजह से इस गेम को और भी पॉपुलर होने के लिए हेल्प भी मिली। ये गेम पॉपुलर होने की और भी एक रीजन है गाइस, ये गेम में यार जो भी प्लेयर होंगे उनको डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट एरिया में यार एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, लाइक एंशिएंट इजी, रिवोल्यूशनरी अमेरिका। और उस टाइम में यार जो भी प्लेयर होंगे उनको यार लर्न करने में इजी होती थी कि उस एरिया में यार उस सिटी में कैसी कैसी कल्चर और हिस्ट्री होती थी। 2010 तक तो इस गेम ने यार काफी अच्छा सा रेवेन्यू कमा लिया था और उसके बाद यार इस गेम की क्रिटिसाइज फैन ने यार इस गेम की क्रिटिसाइज करने लगी, लाइक इस गेम की रिपीटेटिव गेम प्ले, लैक ऑफ इनोवेशन, मतलब इस गेम में कोई भी चेंज नहीं आना, इस गेम की कम्प्लीट स्टोरी लाइन यार काफी ज्यादा प्लेयर को यार पसंद नहीं आया। मैंने मान लिया कि इस गेम में यार एक अच्छी सी स्टोरी लाइन थी, एक खतरनाक ग्राफिक्स थी और ये गेम यार ओपन वर्ल्ड था तो हम पूरी पूरी सिटी एक्सप्लोर कर सकते थे, और इस गेम की टेक्निकली से लाइक इस गेम में काफी ज्यादा बग्स थी, ये गेम काफी ज्यादा स्मूथ नहीं चल रहा था, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्लेयर को फ्रस्ट्रेशन हुई और इसकी वजह से काफी ज्यादा इस गेम को नेगेटिव रिव्यू मिली और इस गेम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज और नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद 2017 में यूबीसॉफ्ट ने एसेसिन क्रीड ओरिजिन के साथ एक कमबैक की। उसमें गेम प्ले चेंज थी, स्टोरी लाइन चेंज थी, उसकी वजह से यार काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिल रही है। तो यही थी गाइस हमारी एसेसिन क्रीड की राइज एंड फॉल के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।